हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं पीके अरुण टेक्निकल। तो फ्रेंड्स, आज की इस ट्रिक में मैं आपको बताने वाला हूँ इनकमिंग कॉल का चार ऐसे सेटिंग के बारे में जो कि आपको शायद नहीं पता होगा। फ्रेंड्स, क्या है ये सेटिंग, चलिए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं उसे एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और आप हमारे चैनल में अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, मैं जब भी कोई इस तरह का वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ जो कॉल वाला ऐप है इसमें एक बार आ जाएंगे, इसको ऑन कर लेंगे। आप देख सकते हैं हम यहाँ अपना जो डायल कॉल यहाँ पर नंबर डायल करते हैं वहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं राइट साइड में जो थ्री डॉट है इस पर एक बार क्लिक कर लेना है, यहाँ से सेटिंग में एक बार आ जाना है। फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग कॉल्स, इस पर एक बार क्लिक कर लेना। आप सोच रहे होंगे ये क्या, ये तो रिकॉर्डिंग करने के लिए बोल रहा है। हाँ जी हाँ, रिकॉर्डिंग ही करने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसा बोलते हुए ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है कि किसी का नंबर जो है रिकॉर्डिंग करना चाहिए, किसी एक का ऐसा कॉल आता है कि आपको लगता है कि रिकॉर्ड करना चाहिए, तो इसलिए आप क्या करते हैं इसे ऑन कर देते हैं। ऐसे में क्या होता है फ्रेंड्स, आपका जितना भी कॉल आता है सब रिकॉर्ड होने लगता है, आप जो नंबर नहीं चाहते हैं वो भी आपका रिकॉर्ड होने लगता है। तो इससे क्या होता है, जो आपका स्टोरेज है वो बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम होने लगता है, बहुत ही जल्दी फुल हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना होगा आप, तो फ्रेंड्स उसके लिए क्या करना होगा आपको, इस जगह पर टैप करना होगा। यहाँ पर एक बार टैप कर लेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप ऊपर में देख सकते हैं ऑल नंबर्स है, अनसेव नंबर है, यहाँ पर सेलेक्ट नंबर है। तो सेलेक्ट नंबर पे आप यहाँ पे सेलेक्ट में कर लीजिएगा, मेरा सेलेक्ट में किया हुआ है। और यहाँ पे आप जो नीचे देख पा रहे हैं इस पर एक बार क्लिक कर लेना है और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो कॉन्टैक्ट है, यहाँ से कॉन्टैक्ट में जाके या तो यहाँ पे नंबर डायल करके आप उसे सेव कर सकते हैं। आप जो नंबर को यहाँ कॉन्टैक्ट में सेव कीजिएगा वही उसी नंबर का जितना भी कॉल आएगा उसका रिकॉर्डिंग होगा। तो फ्रेंड्स, इससे क्या होगा आपका जो स्टोरेज है वो जल्दी फुल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये था पहला ट्रिक। अब चलिए जानते हैं कि दूसरा ट्रिक क्या है। तो हम यहाँ से बैक में आ जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ बैक में आ गए हैं। फिर से यहाँ जो थ्री डॉट है, थ्री डॉट में एक बार क्लिक कर लेंगे। फिर से यहाँ हम सेटिंग में चला जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा कि जितना भी आपका कॉल आएगा सबका नाम बोलेगा, जो भी कॉल आएगा नाम अगर सेव रहेगा तो नाम बोलेगा, अगर नंबर आपका अननोन नंबर रहेगा तो नंबर बोलेगा 92345 जो भी। यहाँ पे हम क्लिक कर लिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे मेरा अनेबल किया हुआ है, तो इसे आपका ऑफ किया होगा तो इसे अनेबल कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बता रहा है कि आप ब्लूटूथ और हेडफोन में सुनना चाहते हैं या सब में। तो हमारा यहाँ ऑलवेज किया हुआ है, ब्लूटूथ में भी बोलेगा, फ़ोन में अगर ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं रहेगा तब पर भी यहाँ नाम बोलेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफ़ किया हुआ, इसे अगर हम ऑन कर देंगे तो यहाँ पे आपका टाइम आ जाएगा। तो आप 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड अगर ये कर लीजिएगा तो इससे क्या होगा कि आप जो भी फ़ोन आएगा तो 5 सेकंड 2 सेकंड में जो भी सेकंड आप यहाँ पर टाइम सेट करके रखिएगा उतना सेकेंड में ऑटोमेटिक ही रिसीव हो जाएगा। तो चलिए इसे हम ऑफ कर देते हैं, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आप चलते हैं तीसरा जो ट्रिक है उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड, तीसरा जो ट्रिक है वो ट्रिक है कि आप मान लीजिए किसी से बात कर रहे हैं और वो चाहता है कि और आपका जो कोई भी अगर दोस्त हो या कोई भी हो रिश्तेदार, तो वो चाहता है कि उससे भी बात हो और अगला को समझ ना पाए कि आप किसी के साथ हॉल में बात कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, मान लीजिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं और किसी को अगर फ़ोन किए तो आप जब होल्ड कीजिएगा तब उसको पता चल जाएगा कि किसी से होल्ड में तीन जन बात कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जैसे ही अगला रिसीव करेगा तो यहाँ थ्री नंबर को क्लिक कर लेना है और यहाँ कॉल वाला बटन को एक बार प्रेस कर देना है। जैसे ही फ़ोन उठाएगा तो वैसे ही थ्री नंबर को प्रेस करना है और कॉल बटन को यहाँ पर एक बार प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, उसे पता नहीं चलेगा कि आप किसी के साथ होल्ड में बात कर रहे हैं, फिर आप दोनों बात कर कीजिए और जो आपका पहले से जो कनेक्ट था वो सिर्फ आपका मतलब आप दोनों का आवाज़ सुन पाएगा, अगला को पता भी नहीं चलेगा कि वो होल्ड में बात कर रहा है कि क्या। तो फ्रेंड्स, ये था तीसरा ट्रिक। और जो चौथा ट्रिक है वो है, वो फ्रेंड्स यहाँ पे आप थ्री डॉट में फिर से आ जाना है, थ्री डॉट से फिर यहाँ सेटिंग में आ जाएंगे।
सेटिंग में आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप फिर से यहाँ रिकॉर्डिंग कॉल में चला जाएंगे। तो फ्रेंड्स चौथा जो ट्रिक है वो है यहाँ पे नोटिफिकेशन। किसी को आपने फ़ोन किया है और उस वक्त उसका फ़ोन लगा नहीं, तो क्या होता है कि एक जब भी उसका टावर आता है तो आपके पास एक मैसेज चला जाता है और उसके पास भी एक मैसेज चला जाता है कि आपको फ़ोन किया गया था। मान लीजिए कि कोई दूसरा आदमी देख लिया कि मैसेज कि यह नंबर से फ़ोन आया था, अगर आप नहीं चाहते हैं कि वो नंबर उसको मतलब मैसेज नहीं जाए तो यहाँ पे आप ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे इसे ऑफ ही रहने दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आए और जाए तो इसे ऑन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये था चार ट्रिक, आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।